property based on dynamic memory allocations. Dynamic memory allocation आप use क्या करो either malloc और calloc और realloc functions. Means इस केस में इससे पूछा गया है what happens whenever we are supplying zero or negative number to the malloc as a argument. Suppose that just मैंने आपको क्या बताया malloc function के केस में supply किया करते हैं only one argument. लेकिन one argument क्या है इस केस में number of bytes. अगर मैंने इस केस में 10 supply किया then 10 के respect में जस्ट malloc function internally inside heap memory 10 bytes का एक memory block reserve करेगा. Suppose that इस block के अंदर number of bytes कितने हैं just 10 bytes. Then second step क्या था इसका जैसे returning base address of allocated blocks like that. तो इस केस में malloc just return क्या करेगा 100. Clear? Second case. लेकिन इस केस में क्या पूछा गया just two criteria 0 और नेगेटिव. सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं 0. बट सपोज दैट अगर आपने malloc फंक्शन के केस में सप्लाई किया एज अ आर्गुमेंट टू 0 इस केस में 0 क्या नंबर ऑफ रिजर्वड बाइट्स. तो इस केस में कितने बाइट्स एलोकेट होंगे जस्ट 0. 0 मींस सिंपली नथिंग. मींस इस केस में कोई भी मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म हो रहा है क्या? नहीं. अगर कोई मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म नहीं होता malloc के फंक्शन में उस केस में malloc रिटर्न क्या करता है? malloc से जस्ट रिटर्न क्या होता है आइदर memory address of base address of reserved blocks otherwise 0. इस अगर इस केस में कोई भी memory allocation perform नहीं हो रहा देने return क्या करेगा just 0 और we can say null address means अगर 0 pass के देने return भी क्या होगा 0 which is equivalent to null address. clear? then a particular 0 आसानी के समझ जाएगा p में अगर आप printf के through p का value display कराओ p means pointer और pointer में store क्या होता address तो currently क्या आसान होगा just null address. अगर आप इस प्लेस पर p डिस्प्ले कराओ तो इस केस में करेस्पोंडिंग आउटपुट क्या प्रिंट होगा जस्ट 0. दिस इज द बिहेवियर इन केस ऑफ 0. अगर आप malloc के केस में 0 सप्लाई करोगे तो इस केस में malloc या calloc के थ्रू कोई भी मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म नहीं होता देन सिचुएशन में रिटर्न क्या होगा 0 बेस एड्रेस और null address. नेक्स्ट केस अगर आपने malloc के केस में जस्ट सप्लाई किया सम नेगेटिव नंबर. दूसरा क्राइटेरिया क्या सप्लाइंग नेगेटिव नंबर लाइक दैट int star. अब नेगेटिव नंबर कुछ भी अज्यूम कर सकते हो एनी नेगेटिव नंबर. अगर आपने malloc में नेगेटिव नंबर पास किया लाइक अ -1 इज इट वैलिड और इनवैलिड? देखा जाए तो 0 भी क्या था इनवैलिड क्योंकि इस केस में कोई मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म नहीं हुआ. मींस जस्ट दिस फंक्शन कॉलिंग इज मीनिंगलेस. सेम है चेक करना इस केस में लॉजिकली स्टेटमेंट वैलिड होगा इनवैलिड. सिंटैक्टिकली वैलिड है देयर इज नो एरर्स. बात करना लॉजिकली इसे स्टेटमेंट लॉजिकली भी वैलिड है. रीजन मैंने आपको बताया था malloc का जस्ट डिक्लेरेशन क्या था इट विल रिटर्न्स void type of pointer function name as malloc. malloc के केस में argument type क्या था just size underscore t. clear? size underscore t और size underscore t क्या है it is unsigned integer created by using or redefined by using type def statement. इसे size underscore t just create कैसे हुआ है unsigned integer like that type def. इसे टाइप साइज अंडरस्कोर टी ऑलरेडी प्रीडिफाइंड डेटा टाइप है इनसाइड सी लैंग्वेज. लेकिन रीडिफाइन किससे हुआ यूजिंग अनसाइंड इंटीजर. मींस आप थ्रू आउट प्रोग्राम कहीं भी साइज अंडरस्कोर टी यूज करो या फिर अनसाइंड इंटीजर यूज करो दोनों के लॉजिकल मीनिंग कैसे हैं एग्जैक्टली सेम मीनिंग्स. तो इस केस में malloc के केस में आर्गुमेंट टाइप क्या है साइज अंडरस्कोर टी मींस इनडायरेक्टली वी कैन से अनसाइंड इंटीजर. इस सिचुएशन में अगर malloc कॉलिंग के लिए आप कोई भी नेगेटिव नंबर भी पास करो तो नेगेटिव नंबर भी कन्वर्ट किसमें होगा अनसाइंड इंटीजर में. ऑलरेडी मैं सी लैंग्वेज के बिगिनिंग में डिस्कस कर चुका हूँ -1 का इक्विवेलेंट अनसाइंड इंटीजर वैल्यू क्या होता है 65535. क्योंकि दोनों के बाइनरी नंबर्स कैसे हैं एग्जैक्टली सेम. अगर आप -1 का बाइनरी नंबर निकालो तो -1 का बाइनरी नंबर क्या मिलेगा 16 × 1. ऑलरेडी भी ऑपरेटर्स के केस में प्रैक्टिस कर चुके हैं. दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ -1. सेम है 65535 का भी बाइनरी नंबर क्या है ऑल्सो 16 × 1. ओनली डिफरेंस क्या है इन दोनों में अगर सेम बाइट्स और सेम बिट्स अगर आप अनसाइंड इंटीजर के फॉर्म में चेक करो तो अनसाइंड के केस में साइन बिट भी क्या हुआ जस्ट अनसाइंड. मीन्स साइन बिट ओनली किस केस में क्रिएट होता है इन केस ऑफ साइंड इंटीजर. लेकिन अगर 65535 अनसाइंड इंटीजर है अनसाइंड इंटीजर में कभी भी कोई साइन बिट नहीं होता है इसका डेसिमल नंबर डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे. अगर सेम साइन बिट अगर साइंड इंटीजर के केस में बात करें तो साइंड इंटीजर में फर्स्ट बिट क्या होता है ऑलवेज साइंड बिट. अगर इसका वैल्यू 1 है देन पहले इसका 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करो देन ओनली इसका डेसिमल कन्वर्जन पॉसिबल. फाइनली स्पेशली याद रखना -1 का अनसाइंड इंटीजर क्या होता है
65535। अगर आपने मेलॉक के केस में कोई भी निगेटिव नंबर पास किया तो निगेटिव नंबर इंटरनली कन्वर्ट किस फॉर्म में हुआ, इन द फॉर्म ऑफ अनसाइंड इंटीजर। तो सबसे पहले जो भी नंबर है उसका अनसाइंड कन्वर्जन करोगे, अगर माइनस वन के अनसाइंड कन्वर्जन की बात करें तो उसका अनसाइंड वैल्यू क्या हुआ, 65535। अगर आपको वेरीफाई करना है इसका इक्वेलेंट अनसाइंड वैल्यू, सिंपली आप यूज कर सकते हो प्रिंट एफ परसेंट यू, अनसाइंड इंटीजर डिस्प्ले किससे कराते हैं परसेंट यू, सप्लाई करो माइनस वन, तो इसके इसमें अगर आप आउटपुट डिस्प्ले कराओ तो डिस्प्ले भी क्या हुआ 65535 लाइक दैट। दिस इज द बेस्ट वे फॉर चेकिंग साइंड और अनसाइंड कन्वर्जन, क्लियर। नेक्स्ट तो फाइनल इसके अगर निगेटिव नंबर पास करें तो निगेटिव भी कहीं ना कहीं कन्वर्ट किस में हो जाए पॉजिटिव में, देन इसके बाद मेलॉक फंक्शन कितने बाइट्स एलोकेट करने के लिए ट्राई करेगा 65535 बाइट्स। अगर नंबर ऑफ बाइट्स या गिवन बाइट्स अवेलेबल है देन उसके इसमें मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ बाइट्स हीप मेमोरी में अवेलेबल नहीं देन इसके इसमें रिटर्न क्या होगा सिंपली ना लगा ना, इसके इसमें मीन्स जीरो के केस में सियोर है, जीरो अगर पास करोगे साइज के केस में देन ऑलवेज रिटर्न क्या होगा नल एड्रेस विच इज जीरो, लेकिन निगेटिव के केस में कोई भी सियोरिटी नहीं, मीन्स निगेटिव का भी केस ऑलमोस्ट किसके सिमिलर सिमिलर टू पॉजिटिव, इस पॉजिटिव में क्या रहता है अगर नंबर ऑफ बाइट्स अवेलेबल देन रिटर्न क्या होता है बेस एड्रेस ऑफ एलोकेटेड ब्लॉक अदरवाइज नल एड्रेस है, इस केस में रिटर्न क्या हुआ अगर नंबर ऑफ बाइट्स मेमोरी के अंदर अवेलेबल है फाउंड होने रिटर्न क्या हुआ जस्ट बेस एड्रेस अदरवाइज नल। इस मोस्ट ऑफ केसेस में इस साइज का डेटा इस लेंथ का स्पेस हीप मेमोरी में अवेलेबल नहीं होता, इस सिचुएशन में मोस्टली चांसेस क्या रहेंगे जीरो, इन केस ऑफ स्मॉल मेमोरी मॉडल्स जीरो। इन स्पेस पर आप ट्राई करना माइनस वन के प्लेस पर -32768 समथिंग, तो इसका इंटरनल कन्वर्जन क्या रहेगा आई थिंक इस अगर आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो इसका इक्विवेलेंट पॉजिटिव कन्वर्जन क्या रहेगा अनसाइंड कन्वर्जन, अगर आप इसका अनसाइंड कन्वर्जन निकालो तो अनसाइंड वैल्यू आई थिंक आएगा 32768 क्लियर। देन इसके इसमें रिक्वायर्ड बाइट्स कितने पास होंगे 32767, देन इस लेंथ का डेटा और साइज ऑफ मेमोरी स्पेस पॉसिबल हुआ देन इसके इसमें रिटर्न क्या हुआ सम एड्रेस, क्लियर। दोनों ही नंबर आप पास करके टेस्ट करना, फर्स्ट केस में मोस्टली क्या रिटर्न होगा जीरो, सेकंड केस में मोस्टली रिटर्न क्या होगा बेस एड्रेस जिसमें भी एनीथिंग, क्लियर। दिस इज द बिहेवियर रिस्पेक्ट टू जीरो और नेगेटिव साइज़।